चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मुनगा की सब्ज़ी रेसिपी। इसके लिए है मैंने रहर दाल, जिसे तूर दाल बोलते हैं, और मैंने इसको कुकर में डाल करके अच्छे से धो लूँगी। देखिए पानी डाल करके यहाँ पर मैंने 3 से 4 पानी धो ली है। धोने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी। देखिए आप दाल की क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालकर पकाएंगे इसको। अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक, और इसको मैं ढक कर पकने के लिए रख दी हूँ। मैं दाल को 5 से 6 सीटी लगा लूँगी। इधर मैंने मुनगा को कटिंग कर ली है और प्याज मिर्ची टमाटर लहसुन वगैरह सभी को कटिंग करके रख दी है। फिर मैंने ली है कढ़ाई, इस पर ली है मैंने तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ जीरा। देखिए जीरा जब अच्छे से थोड़ा जाएगा तो मैं इस पर डाल दूंगी लहसुन, प्याज और कच्चे मिर्ची और करी पत्ता। सभी को डालकर मैं हल्का भूंजूंगी। देखिए इस तरीके से इसको हल्का फ्राई कर लेंगे पहले। फिर मैं इसमें डालूंगी मुनगा। देखिए कम प्याज मिर्ची को कम ही भूंजे रहेंगे और डाल देंगे, क्योंकि साथ में भूंजा जाता है, नहीं तो ज़्यादा भूनने से प्याज मिर्ची जलने लगता है। इसलिए हल्का भूंजाया है तभी मैंने मुनगा को डाल दी है। अब इसको बीच बीच में चम्मच चलाते हुए अच्छे से मुनगा को भूंज लेंगे। देखिए इस तरीके से मुनगा को मीडियम साइज में काटे, ज़्यादा बड़ा नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं। देखिए इस तरीके से मुनगा हल्का भुंजाना शुरू हो गया है। अब इसको अच्छे से पहले भुंजेंगे। देखिए इस तरीके से मुनगा को भूंज लिए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, और चम्मच की मदद से टमाटर को इस तरीके से नीचे करके अच्छे से पकाएंगे। टमाटर को पकने देंगे थोड़ी देर। थोड़ी देर बाद फिर से चम्मच चला देंगे। देखिए सभी अच्छे से भुंजा गया है और टमाटर भी हल्का पकने लग गया है। तो मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। दाल में पहले से नमक डाले हैं तो इसमें कम ही नमक डालना है अभी, सिर्फ मुनगा की सब्जी के हिसाब से। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर। अब चम्मच की मदद से सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए अच्छे से सभी फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी और मुनगा को अच्छे से पका लेंगे। इसको ढक करके पकाऊंगी। एक बार चम्मच चला देंगे पहले। अब इसको ढक करके अच्छे से पका लेंगे। दाल को डायरेक्ट नहीं डालना है, पहले पानी डाल के मुनगा को पकाना है। अगर दाल को तो अभी तुरंत डाल देते तो मुनगा कच्चा रहता है, पकता नहीं है, इसलिए पहले पानी डाल करके मुनगा को पकाएंगे।
पानी की क्वांटिटी को इतना डालना है कि मुनगा अच्छे से पक जाए, थोड़ा ही पानी रहे, ज़्यादा ना रहे। देखिए आप चाहे तो यहाँ पर मुनगा का रस वाली सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। अब देखिए इधर मैंने दाल को पकने के लिए छोड़ दी, तो दाल अच्छे से पक गया है इस तरीके से। देखिए दाल अच्छे से पूरा पक गया है। मैंने यहाँ पास पांच सीटी लगाई है। जब इधर मुनगा अच्छे से पक जाएगा, देखिए मैंने चेक कर ली है रसा क्या है, हल्का कम हुआ है। और मुनगा को पहले चेक कर लेंगे कि मुनगा पका है कि नहीं। देखिए इस तरीके से मुनगा को मैं चेक कर लूँगी। देखिए हल्का सा और पकेगा थोड़ा सा, तो इसको हल्का थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि जो रसा है सब्ज़ी में वो भी कम हो जाएगा। देखिए इस तरीके से फिर मैं इसमें डालूँगी दाल को। देखिए इस तरीके से दाल को डालने के बाद चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिला देंगे। इस तरीके से और इसको थोड़ा देर अच्छे से डबकने कर पका लेंगे। ढकने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिना ढके ही फ्लेम को हाई रखेंगे और अच्छे से पकने देंगे थोड़ा देर। देखिए तो इस तरीके से दाल मुनगा की सब्ज़ी बना सकते हैं और बनाना भी बहुत आसान है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मुझे तो दाल मुनगा बहुत पसंद है, अगर आपको भी अच्छा लगते हैं तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।